हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार एसटीटी रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट पे। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जितना पद उससे भी काफ़ी कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं और कुछ विषयों को छोड़कर अधिकतर में पद के अनुसार रिजल्ट हुआ है। इस पर हम लोग भी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या पेपर टू में कंप्यूटर साइंस 2673 पद के अनुसार रिजल्ट हुआ, इस पर भी बात करेंगे। इसके लिए हम लोग एक नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही कुछ दिया गया है, 1000 पद एड करने के संबंध में, ये सभी भी देखेंगे। क्या जूलॉजी में 2.5 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं, इससे संबंधित एक डाटा भी देखेंगे, उसमें क्या बात सही है ये देखने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जनरल के जितने भी फीमेल हैं या फिर EWS हैं, ये सभी संशय की स्थिति में हैं कि कितना कटअप था, क्या था, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है उन लोगों का, ये सभी लोगों को संशय की स्थिति में है ये सभी, तो इससे में बताना जरूरी है। और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि अधिकतर मतलब कुछ चैनल पर बता दिया गया है, ये सभी बात को क्लियर कर दिया गया है, ऐसे में यहाँ भी क्लियर करना जरूरी है, आसान भाषा में सभी कुछ क्लियर करना जरूरी है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ बात को दिखाना है कि क्या लिखा है एडवर्टाइजमेंट में, जो लिखा है वही बताएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इसीलिए बताना जरूरी है। क्या कहता है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब बताते हैं, एसटीटी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल कैटेगरी मेल फीमेल EWS का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50%। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेल भी फीमेल भी है, तो ये आप देख सकते हैं इसको, यह पूरा सर्कल है, सर्कल के अंदर में है मेल फीमेल EWS, इससे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। तो सबसेट हो गया, आप लोग मैथ जानते ही होंगे, तो मैथ में सबसेट जानते होंगे, सबसेट है मेल है फीमेल है EWS है, ये सभी एक जनरल का ही सबसेट है, तो समझ सकते हैं पहले जनरल को ही 50% कर दिया, तो इसी का एक पार्ट है ये, तो फीमेल भी हो जाएगा 50%, EWS भी हो जाएगा 50%। ऐसे में जब बाहर का ही पूरे सर्कल ही है 50%, अंदर वाला 50% मिलेगा ही, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं, यदि इमेज से नहीं क्लियर हुआ तो सामान्य दे दिया गया है, कहीं भी महिला का कोई उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पे, तो सामान्य में ही सभी आते हैं, EWS हो या फिर महिला हो, ये सभी सामान्य, महिला तो सामान्य में ही है, सामान्य में है, तो 50% तो ऐसे में रहेगा ही, नोटिफिकेशन बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हाँ ये टाइप का कुछ सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो रहा है, इसमें बता दिया गया परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत, यदि क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये फिर से दिखा दिए, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत 24 पॉइंट हैं, उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, तो ये जो है तो अब इसका सुधार के लिए पहले कुछ करना चाहिए था, पहले ही जाके शिक्षा विभाग या फिर BSEB ये सभी से पूछना चाहिए कितना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सभी पूछना चाहिए। वैसे तो अब नोटिफिकेशन के अनुसार ही लोग बता सकता है, क्योंकि परीक्षा फल के बाद अब कोई सुधार का बात ऐसा लिखा गया है, ऐसा ही दिखाया जाता है अभी सोशल मीडिया पर, ये बात सभी जगह आप लोग भी देख चुके होंगे कहीं जगह। हाँ ये है, तो ऐसे में हम लोग केंद्र सरकार का कुछ जॉब देख लेते हैं, उसमें भी इसी तरह लिखा रहता है, मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई द रिटेन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर जनरल EWS, मतलब दोनों को एक ही तरह से काउंट किया है, मतलब आप देख सकते हैं 50% केंद्र सरकार में भी रहते हैं और बिहार में भी उसी तरह ले लिया, इसमें महिला भी होगा पुरुष भी होगा दोनों होगा, तो उसी तरह बिहार सरकार भी इस तरह से कर दिया है, ऐसे भी क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि सिलेबस केस था, उसमें भी कुछ ऐसा ही टाइप्स दिया हुआ था, दस एनी चेंज इन स्कोप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वुड बी अमाउंट टू मॉडिफिकेशन, ऐसा इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, विज्ञापन के दायरे में कोई भी परिवर्तन विज्ञापन में संशोधन के लिए होता है, जो कि अभेद है, मतलब आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, इम परमिसिबल है, ऐसा कुछ लिख दिया गया है, मतलब परमिशन नहीं मिला है इन लोगों को, मतलब मॉडिफिकेशन का, तो लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, शुद्धि पत्र निकलता है और हाँ चेंज तो हो सकता है, लेकिन शुद्धि पत्र इसके लिए निकलता है, एडवर्टाइजमेंट तो आप लोग देखते होंगे कि सभी जगह चेंज होता है,
लेकिन ये सभी के लिए आप लोगों को पहले प्रयास करना चाहिए था। देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया गया है, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से मतलब गेम ओवर हो चुका है, ऐसे में कह सकते हैं। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त दोनों परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, मान्य ही नहीं होगा, आप गेम ओवर हो चुका है, ऐसे में कह सकते हैं। मतलब जो भी त्रुटि का सुधार करना चाहिए था वो इसके लिए पहले से ही तत्पर रहना चाहिए था, यही बताएंगे, सलाह यही देंगे। तो आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पद खाली हैं, 85,000 में अभी इतना ही हुआ है। आप लोगों को बता चुके हैं कि 37,000 + 34 33,916 34,000 और छठे चरण की 30,000 में से मात्र 16,000 का सर्टिफिकेट है एसटीटी का, तो उसमें से भी 14,000 बच जाएगा। इस तरह से 85,000 पद खाली हैं अभी, तो उसमें से 24 से 30,000 भर्ती होगा, फिर भी तो इतना पद खाली रहेगा। ऐसे में एसटीटी बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप लोग पढ़ाई को जारी रखें, बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कम पास किया गया है। जिस सब्जेक्ट में पास हो गया तो कुछ सब्जेक्ट में नहीं निकलेगा, जिन विषयों में पास नहीं हुआ उसके लिए फिर से एसटीटी होता ही रहेगा, तो इसीलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग अभी से पढ़ाई में जुड़े हैं, क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं 15% जाता है, ऐसा रिजल्ट इसमें नहीं गया है। बीटीटी 2017 में भी 17% था, इसमें भी 17% करीब पहुंच जाएगा, जब विज्ञान 3 विषय यदि आएगा तो पहुंच सकता है, तो ऐसा ही रिजल्ट रहता है। इसीलिए अभी से तैयारी में जुट जाएं और तैयारी करते रहें, निराश होने का कोई जरूरत नहीं है। सफलता असफलता आती रहती है, उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इतना ही कहेंगे। पूर्व में जितना भी ये सभी को भूल जाना चाहिए और नए सिरे से फिर से तैयारी करना चाहिए। एसटीटी ही नहीं, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा अब आने वाली है, ऐसे में लगे रहना चाहिए। इससे भी अच्छा जॉब मिल सकता है, जो कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है, ऐसा बताया जाता है। ये कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन समझ सकते, कहना आसान है, करने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है, संभव है। अब देख सकते हैं इसी टाइप का ये भी निकला हुआ है, विज्ञप्ति निकला हुआ है, उसमें भी इसी टाइप से बता दिया गया है विज्ञप्ति। ये है न्यूज़पेपर ही में ही है निकला हुआ, तो न्यूज़पेपर में बताया है 182 से 2020 में ही है था विज्ञप्ति। आप लोग कंफर्म कर दीजिए, कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें, आप लोगों को एक वीडियो दिखा देंगे उसमें स्पष्ट रूप से। हम ऊपर की पेपर कटिंग की पुष्टि नहीं करते हैं, ये कुछ है, हाँ ये है न्यूज़पेपर, इसको अच्छा से पढ़ना जरूरी है। चलिए नीचे से देखते हैं टाइम के अनुसार, इसमें लिखा हुआ नियम के मुताबिक उन्हीं अभ्यर्थी का चयन होगा जो बोर्ड की मेधा सूची में शामिल होंगे, उसका मतलब पद के अनुसार हो गया। ऐसे में मेधा सूची में वही शामिल होंगे, तब तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जिसने संबंधित विषय की सीट के अनुसार न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त किए हों, न्यूनतम कट ऑफ कोटि के अनुसार बोर्ड द्वारा पहले ही बता दिया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए 50% अनुसूचित जाति अनुसूचित ये सभी दिया हुआ, 45% अन्य के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी कोटि के अनुसार रिजल्ट दिया गया है और कोटि के अनुसार सभी को अब सर्टिफिकेट मिलना तय है, क्योंकि क्वालिफाइड लिखा गया है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं आजीवन मान्य होगा, तो ऐसे में तो देना ही होगा सर्टिफिकेट, और भर्ती जिसका बच जाता है सो आगे होते रहेगा, आजीवन होगा। अभी भी 7 साल तक वैसे होते रहता भर्ती, लेकिन अब आजीवन में मतलब जब भी वैकेंसी निकले तो फॉर्म भर सकता है, यही बात है। बिहार राज्य इसलिए जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं सभी का लग रहा है रिजल्ट हुआ है, यही मेन पॉइंट है जिसके कारण रिजल्ट हुआ है, क्योंकि 7 साल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है, तो 7 साल में वैकेंसी तो आप देख ही चुके हैं 85,000 है, तो ऐसे में 7 साल में क्या ये सभी पद नहीं भरे जाएंगे। इसी सब के कारण मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सभी का रिजल्ट हुआ है। बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर 7 साल के बदले जीवन भर उसकी मान्यता रहेगी, दिया गया है जीवन भर मान्यता रहेगी। केंद्र सरकार के CTT की तर्ज पर, देखिए CTT की तर्ज पर दिया है, बिहार सरकार इस व्यवस्था को लागू करेगी,
राज्य सरकार को केवल केंद्र से विधिवत पत्र या आदेश मिलने का इंतजार है। तो ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, यदि सर्टिफिकेट मिलता है तो बहुत चांस है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट में, निजी विद्यालय में भी तब तक अच्छे वेतनमान पर जॉब मिल जाता है, अच्छा अच्छा जॉब भी। तो 37,000 शिक्षकों की होनी है बहाली, और जितना सीट है सीट से कम रिजल्ट है इसमें सभी का हो जाएगा जॉब, तो पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं जॉब पक्का है। यदि संख्या सीट से संख्या में ज़्यादा पास करता है फिर भी अच्छा रहता आजीवन जैसे मान्य है। 37,000 शिक्षकों की होनी है बहाली, बिल्कुल सही है, होनी तो है 37,000, लेकिन अब आएगा बहुत 20,000 प्लस रिजल्ट। डेढ़ साल तक मामला रहा लंबित, आप लोग जानते हैं पहले ये सभी, तो आप लोग जानते हैं 2019 में नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद ऑफलाइन 28 जनवरी को हुआ, उसके बाद हंगामा हुआ चार के अंदर पर, उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस का मामला आया है जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं रद्द हुआ, फिर री एग्जाम हुआ सितंबर, 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में, ये सी सब है दिया हुआ इसमें, इसमें कुछ खास है नहीं। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं 3:30 में पटना हाईकोर्ट ने 4 मार्च को बिहार बोर्ड को एसटीटी का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया, ये सभी जान चुके हैं कि तीनों मामला जो लंबित था उसका हो गया था, उसके बाद परिणाम घोषित करने की बात की गई थी। परिणाम घोषित होने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी, हाँ इसी में दिया हुआ है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे सूबे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, साफ हो चुका रास्ता। परिणाम घोषित होने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी, शेड्यूल बनाया जाएगा, उसके बाद जिलावार नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी, फिर इसमें दे दिया डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा शुरू, नियोजन इकाइयां रोस्टर और मेधा के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची बनाएगी, मेधा के अनुसार बनाया जाएगा। अब मेधा देखा जाएगा कैसे बनाया जाता है, मेधा के लिए हम लोग बात करें या तो नियमावली से बनाएं या फिर एडवर्टाइजमेंट से, अब जिससे बनाएं, अब इसमें भी संशय की स्थिति है, अब जो करें, ये सभी अब शिक्षा विभाग ही फैसला ले सकता है इसमें क्या करना है। नियमावली में आप लोग जान चुके हैं कि ग्रेजुएशन और प्लस बीएड का एवरेज परसेंटेज में, ग्रेजुएशन परसेंटेज प्लस बीएड परसेंटेज का एवरेज, और उसकी बात करें हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन 10-12 के लिए, मतलब 11-12 के लिए बात करें हैं तो वह है उसमें क्या दिया हुआ है, वह पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड का एवरेज है, ये सभी जानते हैं नियमावली में दिया हुआ है। आज जब की बात करें एसटीटी मार्क्स के अनुसार लेगा तो उसमें आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। अब बात करें तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एसटीटी 2019 का परिणाम जारी कर ये सभी दिया गया है। सातवां चरण नाम होगा इसका, यही सब बात है। पेपर वन में दिया है 16,068 और पेपर टू में 8,031 ऐसे कुछ दिया, 531 होना चाहिए, कुछ मिस होगा। हाँ ये टेबल बात करने वाले हैं, इसी में जूलॉजी को लेकर बात करेंगे। तो ये टेबल की कोई पुष्टि नहीं, दे दी है रिमार्क, इस डाटा की पुष्टि किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं, पता ही नहीं चला है इसके बारे में क्या है, कोई बना दिया है या फिर डाटा बिल्कुल सही है, आप लोग कंफर्म कर दीजिए क्या है ये डाटा बिल्कुल सही है, यदि आप लोगों को मालूम हो तो। तो इसमें दिया हुआ है कि इंग्लिश 2125 से 843 पास किए हैं, जैसा डाटा बनाया है उस हिसाब से बोलने तो बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि इंग्लिश समय बहुत कम पास होता है, बिल्कुल सही दिख रहा है। 824 मैथ में भी पास किया है, फिजिक्स में बता दिए थे कि वैकेंट रह जाएगा सीट, वैसा ही हुआ, 485 ही है, इसमें बिल्कुल वैकेंट रह गया सीट, वैकेंट तो सब में है, इंग्लिश में भी है मैथ में भी है केमिस्ट्री भी वैकेंट रह गया काफी, ऐसे बात करें इसके अनुसार। तो
इस डाटा के अनुसार इसकी कोई पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है। क्या है ये, अंदाज से बनाया गया है या फिर बिल्कुल करेक्ट डाटा है, कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। जूलॉजी 723 दिया है 1736, और केमिस्ट्री दे दिया है, इतना देख ही चुके हैं 1736। इसी में देखा जाए तो ढाई दुगुना से तो ज्यादा है, ढाई गुना करीब मान सकते हैं। इसी में बता रहे थे, इसमें भी डेढ़ गुना बताया, बोटनी में 835 से 1230, और CS में बताया है 1673 सीट है, और जबकि 2659 रिजल्ट है, क्वालिफाइड है। इसी दो में कुछ जूलॉजी में कम हो और इसमें CS में थोड़ा ज्यादा आ जाए, यही सब कुछ हो सकता है। इसी आसपास डाटा रहेगा और सब विषय का ठीक है, एक CS में है थोड़ा कंफ्यूजन और जूलॉजी में है, इसी में जो अब आगे पीछे हो, और सब विषय में इसी आसपास रहेगा। जो बनाया होगा अंदाज करके हो या ऐसे जैसे बनाया हो, लगभग ठीक ठाक दिया है डाटा। बोटनी 1230 है, देख सकते हैं। हाँ, इसी में बता रहे थे कि 2673 के लिए, हाँ उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इसी में दे दिया गया है, निर्धारित पेपर 2 के तहत कंप्यूटर साइंस विषय में पूर्व इतना दिया है, 1000 रिक्तियों के लिए माध्यमिक शिक्षा पत्र 2019 का आयोजन किया जाए, ऐसा कुछ बता दिया गया है, 1000 और भी जुड़ने के लिए। ऐसा जुट गया तो मान के चले, यदि इसका डाटा सही भी नहीं माने 2659 के, जब हम लोग यदि 3000 यदि भी कोई माना तभी भी संभव है, CS में भी 3000 साढ़े 3000 जो मानना है मान लो। अब बात करें और सब विषय में तो हो ही जाएगा, इंग्लिश में भी हो जाएगा, मैथ में भी हो जाएगा, फिजिक्स में भी हो जाएगा, केमिस्ट्री में, ये सभी में तो जो पास करेगा पहले ही बता दिए हैं कट ऑफ, जो बताए थे सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज सभी सब्जेक्ट का बताए हुए हैं कट ऑफ और वैकेंसी डिटेल्स। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स, आपके कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, इससे आप लोग को और भी अंदाज़ा चल जाएगा। फिजिक्स में आप लोग देख सकते हैं कितना कम पास किया है, काफ़ी कम हुआ है। जूलॉजी का बहुत ज़्यादा हो गया है इसके अनुसार, वैसे तो आगे देखा जाएगा कि CS में ये सभी ऐड होंगे कि नहीं है, जब एग्जैक्ट डाटा आएगा तब देखेंगे, आगे जब RTI से प्राप्त होगा डाटा।